शहबाद डेयरी इलाके में दरिंदगी की हदें पार करते हुए एक सिरफिरे आशिक साहिल ने अपनी ही दोस्त नाबालिग लड़की को सरेआम चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। मौके से भाग निकले हत्यारे साहिल को पुलिस ने कोर्ट से 2 दिन की रिमांड पर लिया है। अब पुलिस साहिल से बिंदुवार पूछताछ कर दिल दहलाने वाली इस वारदात के सच का पता करने में जुट गई है। बताया जाता है कि इस हत्याकांड की कहानी 6 अहम किरदारों के बीच घूम रही है। साहिल को रिमांड पर लेकर पुलिस इन किरदारों से भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। ये किरदार कौन है ये बताने से पहले आइए संक्षेप में देश की राजधानी दिल्ली को हिलाकर रख देने वाले इस हत्याकांड के बारे में जानते हैं। 16 साल की नाबालिग साक्षी दिल्ली के शहबाद डेयरी इलाके में रहती थी। पुलिस के अनुसार वहीं के रहने वाले सरफराज के 20 वर्षीय बेटे साहिल ने बड़ी बेरहमी से साक्षी की सरेराह हत्या कर दी। ये घटना पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पोस्टमार्टम के अनुसार लड़की के शरीर पर चाकू के 16 जख्म मिले। साहिल की हैवानियत ऐसी कि जब इतने चाकू मार कर भी जी नहीं भरा तो पास ही पड़ा एक पत्थर उठाकर 6 बार लड़की के सर पर पटक पटक कर सर फोड़ डाला। मौके से भागे साहिल को दिल्ली पुलिस ने यूपी के बुलंदशहर में एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया है। सम्मो हत्यारे साहिल की बुआ है, इन्हीं के घर में साहिल ने पनाह ली थी। आइए सुनते हैं साहिल की बुआ ने इस हत्याकांड और साहिल को लेकर क्या कहा है। भतीजा है, कब आया था आपके यहाँ? कल सुबह 4 बजे। जैसा उसने कहा इसी तरह से उसे सजा मिल जाती है। देखो जी, हम तो हाथ जोड़ के ये सजा चाह रहे हैं कि उसे मारो पीटो कुछ भी करो, हमें कोई गुनाह नहीं है। जो उसे फांसी पे हुक्म है फांसी का दे दो, कुछ भी कर दो, हमें कोई मतलब ना है इस बात। सब ये सब भतीजा है, हम गलत के साथी ना हैं। ना ही यहाँ पे मैं भी बेटी के यहाँ गई ही, बच्चे है गए है लड़का मेरा डिप्टी ही, और सुबह 4 बजे आया कही है वो। वैसे सही आ, ऐसे कोई गुनाह कही है कि बता रहा है। और फिर वो आ गए पुलिस वाले तो उसे ले रहे यहाँ से उठा कर पकड़ के। अब ये मुझे पता ना, मैं तो ही ना यहाँ पर, मुझे क्या करूँगा। मैं तो सुबह शाम को 4 बजे आई हूँ वहाँ से, 3-4 बजे ऐसे आई होंगी। फांसी हो, हाँ कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब ना इस बात से। सजा होनी चाहिए, आज इतने कल को कर हमसे भी कर सके है वो। बता जो गांव बस्ती में रह के उनने वो दर्द नहीं करा, आज जैसे बता रहे। अब भी जने आए तो ये कौन कौन है वो फूट वूट से कर रहे हैं, पूछ रहे ऐसे ही। उन्होंने भी ऐसी यही बताओ, मैंने भैया कुछ भी करो मुझे कोई बोला। आज मेरी बेटी है, कल को मेरे संग में भी कर सके है, जब उसके संग में करिए। हाँ कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब ना। फिलहाल अब हत्या की जो वजह सामने आ रही है उसके मुताबिक लड़की और साहिल रिलेशनशिप में थे। अचानक तीसरे की एंट्री के बाद दोनों में बात बिगड़ी, जिसके बाद साहिल ने लोकल मार्केट से चाकू खरीद कर पूर्व नियोजित साजिश के साथ साक्षी को मौत के घाट उतार दिया। आइए अब आपको बताते हैं इस घटना के विच है अहम किरदार जो पुलिस के रडार पर है, और पुलिस उनसे पूछताछ कर इस वारदात की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इनमें पहला किरदार खुद हत्यारा साहिल है, जो नाबालिग लड़की का दोस्त है। ये दोनों 3 साल से रिलेशन में होने बताए जाते हैं। इसी ने अपनी कथित गर्लफ्रेंड को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इस मर्डर केस का दूसरा किरदार नाबालिग लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण है। 1 साल पहले इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। लड़की ने इसी प्रवीण के नाम का टैटू अपने हाथ पर बनवा रखा था। प्रवीण फिलहाल यूपी के जौनपुर में है। दिल्ली पुलिस उसे लाकर जल्द पूछताछ करने की तैयारी में है। इस केस का तीसरा चेहरा एक विवाहिता नीतू है, जो नाबालिग लड़की की दोस्त है। नीतू का पति फिलहाल एक मामले में जेल में बंद है। शहबाद डेयरी इलाके में ही स्थित नीतू के घर में ही कुछ दिनों से नाबालिग साक्षी उसके साथ रह रही थी। नीतू को पुलिस वो अहम कड़ी मान रही है,
जिसे साक्षी और साहिल की दोस्ती और गुस्सा के बारे में करीबी जानकारी हो सकती है। ऐसे में पुलिस जल्द ही नीतू को भी तलब कर सकती है। इस केस का चौथा किरदार आरती नाम की एक लड़की है, जो नाबालिग लड़की की दोस्त है और मौत से पहले आखिरी बार आरती साक्षी से मिली थी। आरती से मिलकर जब साक्षी लौट रही थी, तभी साहिल ने साक्षी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस आरती को भी अहम कड़ी मान रही है। वो जानना चाहती है कि आखिरी बार साक्षी मिली तो उसने अपने और साहिल को लेकर क्या कहा। इस केस का पांचवा किरदार हत्यारे साहिल का एक दोस्त है, जिसका नाम आकाश बताया जा रहा है। ये भी पुलिस की निगरानी में है। जिस जगह पर साक्षी का कत्ल हुआ, उसी जगह पर जब साहिल साक्षी का इंतजार कर रहा था, उस समय आकाश साहिल के साथ खड़ा था। सीसीटीवी फुटेज में साहिल और आकाश आपस में बात करते नजर आ रहे हैं। पुलिस आकाश से इन बातों के जवाब मांग रही है कि क्या उसे पहले उसे इस कत्ल की जानकारी थी, इस कत्ल में उसका खुद का क्या रोल है। अब बात करते हैं इस केस के किरदार नंबर 6 की। इसका नाम झबरू बताया गया है। ये भी साक्षी का दोस्त है और वहीं शहबाज डेयरी में जेजे कॉलोनी का निवासी है। झबरू का नाम भी पुलिस की पूछताछ वाली सूची में। जानकारी के मुताबिक साक्षी और झबरू की दोस्ती भी झबरू ने साक्षी का पीछा करने को लेकर साहिल को धमकाया था। बताते हैं साहिल ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि झबरू ने साक्षी का पीछा न छोड़ने पर मारने की धमकी दी थी। ऐसे में झबरू साक्षी के लिए मुझे मारता, इससे पहले मैंने ही साक्षी को मार दिया। इस केस में झबरू का रोल, सामने आ रही बातें और साहिल के बयान, इन सब को लेकर पुलिस झबरू और साहिल को आमने सामने बिठाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया।